हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको एल्युमिनियम के कुछ सेक्शंस के बारे में, जिंदल एल्युमिनियम सेक्शन के बारे में, और बहुत ही जो रेगुलर यूज़ होते हैं उन सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब नाउ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ सेक्शंस को रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो इन्हीं सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये होता है डाइडेट का सेक्शन, जिसे हम बोलते हैं डाइडेट। ये सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और अगर आप दरवाजा बनाते हैं या टू ट्रैक विंडो बनाते हैं तो चौखट में और टू ट्रैक विंडो के आउटर में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप दरवाजा बनाते हैं तो दरवाजे की चौखट के लिए ज्यादातर यही यूज होता है। इसके बाद जो सेक्शन आते हैं वो चौखट दरवाजे के लिए, ये देख सकते हैं, ये होता है पौने दो का डबल टांग, यानी कि ये पौने दो का सेक्शन होता है। इसी में कब्जा लगता है और इसके साथ ये वाली टांग लगती है जो चौखट पर इस तरीके से लग जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से दरवाज़ा, यानी कि अगर आप खोलते हैं तो इस तरीके से दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे लग जाता है। तो ये हो गया पौने दो और डाइडेट। ये देख सकते हैं, ये होती है सिंगल टांग, और ये डबल ग्रुप होता है जो मिडल यानी कि बीच में लगता है, यानी कि मिडल होता है। ये पौने दो का ही सेक्शन होता है, ये होता है डबल टांग, यानी कि ये कब्जे लगते हैं इसमें, और छोटी छोटी विंडो जो बनती हैं वो इसी की बनती हैं। इसके बाद ढाई डेड के साथ ये देख सकते हैं, ये टू ट्रैक सेक्शन होता है, यानी कि ये टू ट्रैक होता है, ये इसके आउटर में भी काम आता है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये टू ट्रैक के आउटर में भी काम आता है। तो और मैं इसका आपको टॉप भी दिखाऊंगा, इसका मतलब जो भी मटेरियल इसमें यूज होता है टू ट्रैक विंडो में, मैं वो आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये होता है इसका आउटर के लिए ये सेक्शन होता है, और इसी के साथ बॉटम में ये सेक्शन यूज होता है। इसका टॉप मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका टॉप होता है, यानी कि टू ट्रैक जो विंडो होती है ये उसका टॉप होता है और ये उसका बॉटम होता है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये इसका बॉटम होता है जिसमें रेडुल लगते हैं, यानी कि जिस पे व्हील चलते हैं वो ये सेक्शन होता है, क्योंकि ये ट्रैक होता है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये वाला होता है जो साइडों में लगता है और ऊपर लगता है, यानी कि आउटर के तीन साइड जो लगता है, लेफ्ट राइट और अप, यानी कि ऊपर जो लगता है, यानी कि ये लगता है बॉटम में। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा इसमें जो जिसके पल्ले बनाए जाते हैं वो सेक्शन कौन सा होता है। तो चलिए मैं वो सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आते हैं तीन सेक्शन जो टू ट्रैक विंडो बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे तो एक सेक्शन और आता है, ये होता है डेड पोना का सेक्शन, इसे डेड पोना बोलते हैं, यानी बॉम्बे स्लाइडिंग का सेक्शन होता है ये इसका, इसको बोलते हैं हैंडल सेक्शन, यानी कि इसमें इधर कोलर होता है और इधर कोलर नहीं होता, इधर से प्लान होता है, इसे बोलते हैं हैंडल सेक्शन। इसी के साथ ये आता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी कि ऊपर भी लगाते हैं टू ट्रैक विंडो में, यानी कि सिंगल ट्रैक, टू ट्रैक, थ्री ट्रैक में सब में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, और ये होता है इसमें जिसमें सब रेडुल लगाए जाते हैं, यानी कि बॉटम में जो चलता है। ये होता है इसका इंटरलॉक, यानी कि जो पल्ले को रोकता है, यानी कि अगर आप टू ट्रैक की विंडो बनाते हैं तो एक इंटरलॉक इधर लगेगा लेफ्ट पे और एक दूसरे पल्ले में लग जाएगा, यानी कि पल्लों को इस तरीके से आपस में इस कोलर में लग जाते हैं और वो आराम से रुक जाता है। इसी के बाद दिखाऊंगा मैं आप थ्री ट्रैक जो विंडो होती है, इसके बाद दिखाऊंगा आपको सिंगल ट्रैक, यानी कि एक पल्ले की विंडो जिसमें जाली का पल्ला बनता है, जाली का यूज़ होता है, यानी कि जाली के जो पल्ले बनते हैं वो किसके यूज होते हैं। तो चलिए आप चलते हैं थ्री ट्रैक के पर। ये देख सकते हैं, ये होता है चार पौने दो का सेक्शन, यानी कि जो थ्री ट्रैक का आउटर बनता है, वैसे तो हम इसका पार्टीशन भी बना सकते हैं मगर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो कम लोग ही इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आउटर थ्री ट्रैक अच्छा रेट होता है, पार्टी अच्छा रेट देती है, तो इसी का ही आउटर बनाते हैं, यानी कि लगभग 350 रुपये तो 320 रुपये की कॉस्ट इस सेक्शन को यूज़ करने में आती है। इसी के साथ मैं दिखाऊंगा आपको थ्री ट्रैक, ये होता है, देखिए ये जो होता है, ये वाला होता है थ्री ट्रैक, यानी कि थ्री ट्रैक बॉटम।
ये थ्री ट्रैक बॉटम होता है और ये इसका आउटर होता है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका आउटर होता है, यानी कि थोड़ा कम होता है मगर ये इसका आउटर ही होता है, ये इतना यहाँ से गैप होता है, यानी कि ये आगे की तरफ अगर अंदर की तरफ देखते हैं तो अंदर की तरफ से आप इस तरीके से आता है। इसी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें टॉप, जो ये सेक्शन होता है जो थ्री ट्रैक के साथ यूज होता है, ये वाला होता है टॉप, इसको बोलते हैं, जैसे टू ट्रैक में थ्री साइड लगता है टॉप, वैसे ही ये थ्री ट्रैक होता है, यानी कि ये थ्री ट्रैक का टॉप होता है, ये तीनों तरफ लगता है, ऊपर साइड में और ये, और नीचे जिसमें रेडू चलते हैं वो ये होता है। इसमें बेसिकली दो पल्ले तो शीशे के चलते हैं और एक पल्ला जाली का चलता है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको सिंगल ट्रैक, ये देख सकते हैं ये होता है सिंगल ट्रैक, यानी कि जो गर्मियों में जो पल्ले बनते हैं मच्छर जाली के जो पल्ले बनते हैं वो इसी में चलते हैं, यानी कि अगर कहीं पर टू ट्रैक लगा हुआ है, टो माल का टू ट्रैक लगा हुआ है, ज़्यादातर सोसाइटी में दो ट्रैक लगे हुए होते हैं और मच्छर जाली का उसमें पल्ला नहीं होता, तो उसके लिए हम इस ट्रैक को अलग से लगाते हैं और उस ये भी इस तरीके से ही होता है, ये आउटर ये जो बॉटम होता है जिसमें रेडू लगते हैं और ये तीन साइड लगता है। तो इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको एक नया सेक्शन जिसे बोलते हैं 1960, यानी कि ढाई पौना, जैसे बॉम्बे स्लाइडिंग का होता है डेढ़ पौना का, वैसे ही ढाई पौना भी होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये होता है ढाई पौना का सेक्शन, यानी कि ये होता है इसका एच, या आपको इसको थ्री ट्रैक में भी चला सकते हैं, टू ट्रैक में भी चला सकते हैं, सिंगल ट्रैक में भी आप इसका पल्ला बना सकते हैं, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आती है मगर बहुत ही अच्छा पल्ला लगता है, यानी कि डोमाल का लुक देता है, यानी कि UPVC को भी टक्कर देता है ये। इसके बाद जो आप इसको थ्री ट्रैक में भी यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रैक में भी यूज़ कर सकते हैं और जो टू ट्रैक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नया सेक्शन में आप, ये होता है सवा तीन, यानी कि सवा तीन बॉटम में जो जो पल्ला हम बनाते हैं, पल्ले के नीचे जो लगता है चौड़ी लेंथ, तो वो होती है सवा तीन, यानी कि इसको ऊपर भी यूज़ किया जाता है, ऊपर और नीचे मिडल में, तो वही पौने दो, और इसका डबल ग्रुप भी आता है, मैं डबल ग्रुप आपको दिखा देता हूँ, इसका डबल ग्रुप जो होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सवा तीन के बारे में, तो ये देखिए अगर हम डोर बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बता रहा था आपको ढाई डेढ़ का आउटर बनता है और पौने दो के पल्ले बनते हैं, तो उसमें जो बॉटम डलता है वो ये बॉटम होता है और सवा तीन का मिडल भी होता है, अगर आप चौड़ा पल्ला बनाना चाहते हैं तो उसमें ये वाला मिडल भी बड़े आराम से डाला जा सकता है, यानी कि उस पल्ले में ये मिडल भी बहुत आसानी से डाला जा सकता है, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शंस की तरफ, तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे अच्छा सेक्शन, यानी कि डोमाल सेक्शन। इसके लिए मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर डोमाल पे वीडियो बनाइए, डोमाल पे वीडियो बनाए, तो आज मैं दिखाता हूँ ये डोमाल सेक्शंस होता है और सबसे अच्छा चलने वाला और थोड़ा कॉस्टली होता है मगर काफ़ी अच्छा चलता है। इसका जो डोर होता है, यानी कि स्लाइडिंग जो इसकी बनती हैं, तीन स्लाइडिंग चलती हैं, थ्री ट्रैक देख सकते हैं आप, और ये इसका हैंडल होता है, यानी कि डोर मटेरियल ये इसका होता है, आप इसमें 6 mm तक शीशा आराम से डाल सकते हैं, और क्या नाम है, तो जो इसका जो आउटर बनता है वो इसी का, इसमें ना तो कोई नीचे कुछ लगता ना कुछ, ये ही आउटर होता है, यानी कि इसका टॉप बॉटम और जो लेफ्ट और राइट लगेंगे वो यही वाला सेक्शन है, ये यही सेक्शन होता है, यानी कि इसके लिए कोई आउटर की आवश्यकता नहीं होती, खुद आउटर होता है और पल्ला इसी पे चलता है। ये जो ये देख रहे हैं आप, ये ही ट्रैक होता है, यानी कि यही जो जिस पर पल्ला चलेगा, जिस पर रेडू चलता है वो इस तरीके से यही होता है वो, यानी कि इस तरीके से यहाँ तक पल्ला चलता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये होता है डोमाल। इसके बाद अब बात करते हैं छोटे छोटे सेक्शन के जो यूज है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये होती है देखिए 1.5 की ट्यूब, सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्यूब होती है और ये पाउडर कोटिंग में ट्यूब है, इसका सेट बनता है, बहुत सी चीज़ें जो काउंटर्स बनते हैं और या फिर सेट वगैरह, तो वो जो है
इन्हीं का ही बनाया जाता है, यानी कि इसका ही बनता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। आजकल लोग क्या करते हैं, थ्री ट्रैक की विंडो बनाते हैं और उसमें आउटर जो नहीं लगाते और आउटर की जगह इस तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि थोड़ा खर्चा कम आता है, यानी कि जहाँ जहाँ ट्रैक लगाते हैं वहाँ वहाँ इस तरीके से बना देते हैं लोग, और खर्चा थोड़ा कम आता है, खर्चा बचाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं जहाँ जहाँ पर ट्रैक आता है। ये मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ ट्रैक आता है वहाँ वहाँ पर इसको लगा देते हैं, यानी कि इस तरीके से बना देते हैं, क्योंकि खर्चा थोड़ा कम आता है और चार कोने जो होती है थोड़ी हैवी होती है और ये थोड़ा हल्का हो जाता है तो खर्चा कम आता है, इसलिए लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। बहुत ही बिकती है ये ट्यूब, यानी कि सबसे ज़्यादा डाई डेट बिकता है, डाई डेट के बाद ट्यूब बिकती है, ट्यूब सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेक्शन है। और अब बात करते हैं दो एक की ट्यूब, ये होती है दो एक की ट्यूब, ये भी एक डेढ़ की ट्यूब की तरह ही होती है, मगर ट्रैक के साथ एक डेढ़ की ट्यूब लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, सेट वगैरह में ये भी यूज होता है, और यानी कि HPL वगैरह जो लगती हैं HPL तो वो इसी पर ही लगती है। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा लास्ट सेक्शन आपको, जिसे बोलते हैं क्लिप, ये देख सकते हैं ये होती है जिंदल की क्लिप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये यही सेक्शन होता है, यानी कि इसे बोलते हैं क्लिप, और यही शीशे को रोकता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेक्शन होता है क्लिप, सबसे ज़्यादा, यानी कि जो शीशे को रोकता है, रबड़ के साथ लगाते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लिप। ये देख सकते हैं आप, ये होती है क्लिप। जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है, देखिए ये होता है कोने दो का हाफ राउंड, जो मशीन पे दरवाजे चलते हैं, मशीन के पल जो पल्ले होते हैं उन पे लगता है हाफ राउंड, यानी कि दोनों तरफ जो सेक्शन लगता है दाएं लेफ्ट और राइट, ऊपर जो ऊपर नीचे के लिए तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, 3.25 का जो बॉटम उसमें लगता है, और ये होता है जो कोने दो का हाफ राउंड, 3.25 में भी हाफ राउंड आता है, मगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी पौने दो का हाफ राउंड, ये देख सकते हैं। तो इस ये मशीन के पल्ले में यूज़ होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा आगे भी, बहुत प्रोडक्ट्स पे, रेडूस पे, चैनल्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे हार्डवेयर पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, SS MS सब के बारे में, किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, स्लाइडिंग डोर में कौन सा सेक्शन यूज, सब मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।